Assalamu alaikum, you all adorable people out there and welcome to my channel. I am Huma Tahir. Aaj hum Asma doll pink polish bana rahe hain. Usse pehle aap jaldi se mere channel ko subscribe kar dijiyega. Ye polish jo aapke paas normal ingredients hain unhi se hi banegi, lekin ek magical ingredient bhi hai. To aaiye polish banana start karte hain. Sabse pehle koi bhi jo skin polish ka powder hota hai kisi bhi brand ka jo aapke paas available hai, wo aap हाफ टी स्पून डालें बेहतर है. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक्नी वाली नहीं है तो आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं. उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसका वॉल्यूम, ठीक है, जो अमल्शन होता है जिसको हम बूस्टर कहते हैं. 20 वॉल्यूम यूज़ करी मैं स्टार केयर का. आप जो भी आपके पास अवेलेबल है वो पाउडर से जो है डबल क्वान्टिटी में ऐड करेंगे. ये जो है ना, ये अस्मा डॉल की ट्रेंडिंग स्किन पॉलिश, ये बिल्कुल उसको कम्पीट करेगी. शायद इसके रिजल्ट्स उससे भी बेहतर हो. और कोई आपको सिर्फ एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगी और उसके बाद आपकी पूरी पॉलिश की गेम ही चेंज हो जाएगी, ठीक है जी. अब आपको पता है इसके बाद हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है सूदिंग लोशन, जो कि मैं सॉफ्ट टच का ऐड कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों में एक्नी होती है, स्किन पर रैशेज हुए होते हैं, पसीना आता है और काफ़ी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो जब आप इसके अंदर सूदिंग लोशन डालेंगे ना तो स्किन पॉलिश आपके फेस पर बिल्कुल भी जलन नहीं करेगी. हाफ़ टी स्पून बहुत है. अगर आपकी स्किन पे एक्नी है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप फुल टी स्पून डाल सकते हो, अदरवाइज़ हाफ़ टी स्पून जो है वो बहुत है. अच्छा, इसके बाद मैं इसके अंदर मल्टी एक्शन क्लिनजर डाल रही हूँ. आपको पता है ये थोड़ा सा कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है, तो ये भी आप हाफ़ टी स्पून डाल लें. और साथ ही आप कोई भी स्क्रब, जो बारीक दाना वाला स्क्रब होता है वो डालना है, मोटे दाना वाला नहीं डालना है, एक्सफोलिएटर डालना है अगर आपके पास अवेलेबल है. अब आ जाती है जी बारी मैजिकल इंग्रेडिएंट की, जो कि है बोरिक एसिड. ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा. आंखों में अगर कुछ हो जाए इन्फेक्शन तो डाइल्यूट करके ये उसमें डालते हैं, तो अगर फेस पे भी लगाएंगे ना तो किसी किस्म का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. इसका नाम बिल्कुल बोरिक एसिड है लेकिन कोई वाकई ये तेजाब नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करेगा. तो ये भी आपने हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर ऐड कर देना है. उसके बाद आपने पूरी पॉलिश को अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देना है. अब 5 मिनट के लिए क्यों रखना है? 5 मिनट के लिए इसलिए रखना है ताकि अच्छी तरह जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक जैसे हो जाए, यकजान हो जाए और परफेक्टली आपकी स्किन के ऊपर काम करें. जो अस्मा डॉल की ट्रेंडिंग पिंक पॉलिश है ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देगी और आपको स्पेशली उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोरिक एसिड का साशे सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 रुपये का मेडिकल स्टोर से ईजीली मिल जाएगा. तो अगर वीडियो समझ आ रही है, बात पसंद आ रही है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रिजल्ट्स देखना मत भूलिएगा. ये देखिए जी, ये पॉलिश मैंने लगा दी है. अब 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी. 10 मिनट बाद मैंने ब्रश से दोबारा इसको मिक्स करना है. मैंने पैरों पे भी लगाई है और अपने हाथों और बाजुओं पर भी लगाई है. पैच आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई इसने काम किया या नहीं. ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसको जो है मैंने मिक्स कर लेना है. और उसके बाद ये देखें जी, हम इसको अब साफ़ कर रहे हैं. साफ़ करने के बाद जो हम इसको अच्छी तरह टैप से वॉश करके आपको जो इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं. ये देखें आप प्रोमिनेंटली जहाँ पर पॉलिश नहीं लगाई थी वो पैच का कलर देखें और आप स्किन का कलर देखें. बालों को इसने बिल्कुल मतलब नॉर्मल स्किन टाइप किया है, कोई गोल्डन ऐसे कांटो जैसा नहीं किया, तो रिजल्ट वाकई मानने वाले हैं. घर पर ट्राई कीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़.